गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप अच्छे ही होंगे। और गाइस, कल और परसों मेरा व्लॉग नहीं आया था, तो मैंने सोचा है कि रोज़ रोज़ व्लॉग डालने से आप लोग बोर ना हो जाए, क्योंकि सेम चीज़ें हो रही थी कंटिन्यू और मैं खुद बोर हो रही थी अपने व्लॉग से। तो मैंने सोचा क्यों ना दो दिन में, मतलब हफ्ते में दो या तीन व्लॉग डालूँगी, और डालूँगी ऐसे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, थोड़े बड़े होंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा उनमें, और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को जानने के लिए मिलेंगी। और घड़ी पे बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, मैं काफ़ी पहले उठ चुकी थी क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, तो इस वजह से मन नहीं था कुछ करने। और अभी आरब अपनी क्लासेस ले रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और मुझे आप बताओगे कि आप लोगों ने मुझे मिस किया है नहीं। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने मिस किया, क्योंकि किसी का कॉमेंट और किसी का मैसेज नहीं था मुझे कि आप लोग मेरे व्लॉग को मिस कर रहे हैं। बट मैंने खुद ही सोचा कि क्यों ना हफ्ते में तीन या दो व्लॉग दिया जाए, जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कुछ चीज़ें जानने की। तो गाइस, अभी के लिए मैं स्किन इंस्टीट्यूट जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या, कुछ लोग उसे कोन कहते हैं, कुछ लोग उसे पैर में जो डील हो जाती है उसे कहते हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है चलने में, उठने में, तो इसलिए आज उसका छोटा सा एक मतलब छोटा सर्जरी होगी जिससे उसे निकाला जाएगा। और आप देख सकते हैं मैं ऑपरेशन थिएटर में बैठ चुकी हूँ और बहुत खुश हूँ। और ये मेरा पैर है, आप देख सकते हैं, नर्स। अब उसके बाद मेरा काम स्टार्ट। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ, और आप देख सकते हैं मुझे 3 or 4 days का रेस्ट दिया गया है। लेकिन आज मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, जो कि मैं रेडी हो चुकी हूँ इस टूटे पैर से, आप देख सकते हैं। और फंक्शन मेरे मतलब जो इन लॉज की फैमिली है उसी में ही है। मेरे ताऊजी ससुर हैं, उनके घर में फंक्शन है, उनके पोते का बर्थडे है, तो मैं वहाँ के लिए रेडी हो रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने 2-3 days का रेस्ट बोला है, बट हम लोगों से कहाँ रेस्ट होता है। हम लेडीज़ को तो बस फंक्शन चाहिए, सूट चाहिए और मेकअप चाहिए। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। और आप देख सकते हैं मेरा सूट और मेरा पैर भी। और गाइज, वहाँ जाके मैं सारी आपको डिटेल दूंगी, वहाँ क्या था क्या हुआ। और गाइज, अभी मैं रेडी हो रही हूँ, रेडी होने के बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ, बाय, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ, और सूट की डिटेल मैं आपको बाद में। और गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और सर पे रखना जो भी है, मैं दुपट्टा रखती हूँ, वो हमारे यहाँ कंपल्सरी होता है। तो फाइनली हम बर्थडे में पहुंच चुके हैं, अब एंट्री हो रही है। ऑरेंज शर्ट से ये आरव है, और आपको मैं भी नज़र आऊंगी अगर आप मुझे देख सकते हैं तो। और अभी टाइम है अविराज के केक कटिंग का, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने काफ़ी जितना मुझसे हो सका मैंने इतना शूट किया है बर्थडे के लिए। आरव आप देख सकते हैं, और फिर लेडीज़ गपशप, थोड़ी सी गॉसिप्स, जो भी आप ये लेडीज़ देख रही हैं सारी मेरी जिठानी हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, और हम काफ़ी गॉसिप करते हैं, मस्ती करते हैं, आप देख सकते हैं। बाय द वे, रैंडम वीडियो थी। और गाइस, इस वीडियो से प्लीज़ मुझे जज मत करना क्योंकि मुझे पता है मेरे पैर में लगी हुई है, और डॉक्टर ने मुझे 3 or 4 days का रेस्ट बोल मतलब कहा है कि रेस्ट करे, लेकिन क्या करे यार, कंट्रोल नहीं होता। और जब आपका फेवरेट गाना चल रहा हो तो हाओ नहीं रुका जाता, तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा थोड़ा, आप देख सकते हो वैसे मेरी एनर्जी बहुत स्लो है, बट फिर भी नहीं हो पाया। मैंने ट्राई किया कि नहीं करना, बट फिर भी चलता है यार, बर्थडे था, अच्छा लगा। और फिर उसके बाद रुकना क्या होता है वो मैं भूल गई थी मैं भूल गई थी कि मेरे पैर में लगी हुई है
आप लोग देख सकते हैं, मुझे सिर्फ मौका चाहिए था, उस पर मैंने चौका मार दिया। गाइस मैटर ये नहीं करता कि आपने डांस किया, मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना डांस किया, मैटर ये करता है कि आपने कितने इन्जॉय से डांस किया, आपके पैर में लगी थी या नहीं लगी थी, डजंट मैटर। आप देख सकते हो मैंने कितना इन्जॉय किया। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है और आप देख सकते हो मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है। और हम कल नहीं, हफ्ते में दो बार मैं अपना व्लॉग डाला करूँगी। और हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।